कल मैं देखा जब ये मुझे जबरन मुझे वहाँ भर्ती कराया और मेरे पति को अलग किया, मुझे अलग किया, और शाम के अंधेरे में इन्होंने मेरे बेटे के जो अंत्येष्टि की है, मैं कभी नहीं भूल सकती सरकार को, मैं कभी नहीं भूल सकती। पर लेकिन मैं सीएम साहब धामी सिंह जी से और बीजेपी अभिनव कुमार से ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछे, आपसे मैं सवाल के बारे में जानना चाहता हूँ कि जब गवाह द्वारा ये बयान दर्ज किया गया कि रिनोविस्ट द्वारा रिजोर्ट को तोड़ा गया और जो एसडीएम प्रमोद कुमार थे उनकी आदेश से रिजोर्ट तोड़ा गया, तो अभी तक सरकार द्वारा रिनोविस्ट को विधानसभा से हटाया नहीं गया और मनोज कुमार को सस्पेंड नहीं किया गया। उनको ये भी था कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे और इन का जो अनिश्चितकालीन धरना है ये श्रीनगर से टूट जाए। अंकिता भंडारी के परिजन लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर हैं क्योंकि उनकी कुछ मांगे हैं सरकार से ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना समय उनको यहाँ आंदोलन पर हो गया है और क्या मांगे हैं। भंडारी जी ये बताइए कि क्या मुख्य मांगे हैं सरकार से। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे जो अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, आज 9वां दिन है और कल हमें जो तानाशाही सरकार है भारतीय जनता पार्टी, ये कल इन्होंने हमारे आशुतोष नेगी जी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार वो 3 दिन से उनके गिरफ्तार करने के मोड़ में थे और उन्होंने कल अकस्मत ऐसा हुआ कि कल वो आरटीओ ऑफिस अपनी गाड़ी का लाइसेंस रिन्यू करने जा रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने तुरंत उनको गिरफ्तार किया और उनको ये भी था कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे और इन का जो अनिश्चितकालीन धरना है ये श्रीनगर से टूट जाए। पर लेकिन मैं सीएम साहब धामी सिंह जी से और बीजेपी अभिनव कुमार से ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछे, आपसे मैं सवाल के बारे में जानना चाहता हूँ कि जब गवाह द्वारा ये बयान दर्ज किया गया कि रिनोविस्ट द्वारा रिजोर्ट को तोड़ा गया और जो एसडीएम प्रमोद कुमार थे उनकी आदेश से रिजोर्ट तोड़ा गया, तो अभी तक सरकार द्वारा रिनोविस्ट को विधानसभा से हटाया नहीं गया और मनोज कुमार को सस्पेंड नहीं किया गया। दूसरी बात कि जब वीआईपी, हम खुद कह रहे हैं कि वीआईपी आरएस का नेता अजय कुमार है, तो अजय कुमार के हमने कहा कॉल रिकॉर्डिंग की जांच की जाए और 18 तारीख जो है उनका लोकेशन किया जाए और अभी तक सरकार ने इनकी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई और इन्होंने जो हमारे जो आरोपी हैं, आरोपी जो आशुतोष नेगी, नवनीश नेगी और नवनीश नेगी जी हैं, इनको टारगेट बनाया और कल ही देखो उन्होंने आशुतोष नेगी जी को गिरफ्तार कर गया। और आज मैं सीएम साहब से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे गांव के मात्र शक्ति और आशुतोष नेगी जी के गांव के मात्र शक्ति यहाँ पे धन्यस्थल पहुँच गई है। कल ये पौड़ी जाके तो वहाँ पे खाने सहन जाएंगे और आज कल आपने आज शाम तक आपने आशुतोष नेगी जी को बाहर नहीं निकाला तो कल वहाँ पे ये धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। जो डीजीपी हैं उत्तराखंड के अभिनव कुमार जी, उनका उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो अंकिता भंडारी वाला मामला है या जो आशुतोष नेगी पे SC ST के तहत गिरफ्तारी हुई है, ये मामले अलग अलग हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ये अलग नहीं, ये जानबूझकर फर्जी मुकदमा उन पे दायर किया गया। ये 2020 का मामला है, 22 का मामला है और ये साबित हो चुका है कि जो राजा कोहली है उनकी 3-3 ID है और 3-3 ID में अनुसूचित जाति के ये तो है ही नहीं और जानबूझकर आशुतोष नेगी जी को फंसाने के मोड में क्या किस ढंग से इन पे धाराएं जोड़ के इनको कोर्ट जेल के अंदर ठोका जाए और ये जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं ये केस को हल्का करने की कोशिश करें, क्योंकि शुरू में ही जब हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि पीड़ित पक्ष के जो माँ बाप हैं वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार सरकारी वकील नियुक्त करेंगे और सरकार द्वारा अपने मनमानी ढंग से सरकारी वकील जितेंद्र रावत को वहाँ पे किया गया और जितेंद्र रावत ने जो गवाहों के बयान वहाँ पे घुमा फिरा के किए, क्योंकि उनको पता था कि जो रिजोर्ट में जो बच्चे काम करते थे वो बच्चे छोटे छोटे थे और उनको पता नहीं था कि ये सरकारी वकील जितेंद्र रावत केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ हर तारीख पे जाते थे, मैं आशुतोष भाई और मेरी मिसिज हर तारीख पे जाते थे और हमने उन पे वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं, ये जितेंद्र रावत हमें नहीं, सरकारी वकील नहीं चाहिए। और इसी तरह 3 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने सरकारी वकील चेंज नहीं किया, क्योंकि
जो हमारा जो मेन गवाह था, मेरे लड़के का जो दोस्त का पुष्पदीप था, उसकी गवाही ये लेना चाहते थे, पर लेकिन हमने पुष्पदीप को कहा कि तेरी गवाही तब तक हम नहीं होने देंगे, तू तब तक वहीं रहा, अपने घर में रहा, तब तक तेरी गवाही नहीं होगी, क्योंकि जो सरकारी वकील है इसको घुमा फिरा के केस को कमजोर करने को चाहता था, पर लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। और उस दौरान जब हमने सरकारी वकील जितेंद्र रावत को 2.5 महीने लाख कोशिश की, तब जाके जितेंद्र रावत ने फायदा उठा के जो धाराएं 120 और 34 जो धाराएं थी इसको उन्होंने हटाया, और वो धाराएं हमने अब हाईकोर्ट में लगा दी है, और हमारा धरना यहाँ पे जारी रहेगा। और मैं पूरे मात्र शक्ति और श्रीनगर के जो नागरिक हैं कल 5:30 बजे यहाँ पे धरना स्थल पे आए हैं, और एक हमने एक यहाँ पे एक धरना रैली निकाली है, और मैंने पूर्ण पूर्ण समर्थन दी। धन्यवाद। अंकिता की माँ सोनी देवी हमारे साथ हैं, देखते हैं बात करने की। सोनी देवी जी, लगातार जो आपके साथ हैं, आपका आरोप है कि सरकार उन्हें किसी न किसी तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहूँ भैया, मैं कल जो मैंने देखा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि कोई मतलब इतनी बेरहमी से मेरे उस भाई को धक्के देकर ले जा सकता है। मैंने जो देखा भैया, मैं बयान भी नहीं कर सकती कि मैं कल की घटना को देख कर इतनी पीड़ा में हूँ। मुझे अभी भी वो याद आ रहा है कि जब वो मेरे भाई को उस सीढ़ियों से ऐसे ले गए, मैंने इतना ही कहा था उनसे कि मुझे मेरे भाई को देखना है, मैं थोड़ा सी उनसे बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बोला अभी थोड़ी देर में बात कराएंगे, अभी थोड़ी देर में बात कराएंगे। मुझे नहीं था पता कि वो इतनी बड़ी वो करेंगे मेरे साथ कि मुझे भाई से भी नहीं मिलाएंगे। और मैं जैसे ही मतलब मैं भाई बाहर आया, मैं भाई से मिलने के लिए गई, उन्होंने भाई को ऐसा पकड़ा पीछे से और 3-4 सीढ़ियों से ऐसे ले गए, मतलब कि मतलब धक्का मार के ले गए कि मुझे अगर मैं यही सोच के हैरान हूँ कि अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता तो ये शासन प्रशासन तो यही कहती ना कि आज तो उसने खुद कुछ कर दिया है, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे केस मैंने बहुत देखे हैं। और मैं कल से इतनी शासन प्रशासन की वजह से मैं कल से इतनी परेशान हूँ कि जो रवैया उन्होंने मेरे भाई के साथ किया मैं सोच भी नहीं सकती। वैसी घटना उन्होंने मेरे साथ वहाँ की जब मेरे बेटे को वहाँ लाया गया था, और मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि हम सच बोलती हूँ मैं कि हम गांव के इतने सीधे साधे लोग होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और ना हमने कभी ऐसा जीवन में देखा। मुझे तो आज भी वो दिन याद है कि जब इन्होंने मेरे साथ जबरन मुझे वो चेयर पर बिठाया और मुझे आईसीयू में भर्ती किया। मैं ये बोलती रही कि मेरे साथ ऐसे क्यों करे, कह रहे कि तुम्हें सुविधाएं दे रहे हैं, वहाँ सुविधाएं नहीं थी, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर भी इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। मैं बैठी थी वहाँ पे और मुझे एक घंटे बाद मुझे ये खबर मिलती है कि तुम्हारे बेटे की अंत्येष्टि कर दिया, जबकि उन्होंने शाम के समय किया। मैं शासन प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मेरे साथ ऐसा। उनको ये अधिकार किसने दिया कि मैंने अपने बेटे को पाला पोसा और मेरी बेटी मेरी जो हालत देख के वहाँ गई थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगी कि मेरी बेटी को जो उस विनोद आर्य की बड़े मंत्री ने मारा, और उसके बावजूद उन्होंने मुझे मेरी बेटी को नहीं दिखाया। वही हाल कल मैंने आशुतोष भाई के साथ भी देखा कि इनका क्या भरोसा कि हमें कब मार दे, मुझे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। मैंने कल जो आशुतोष भाई के साथ देखा मैंने वही अपने साथ वहाँ हॉस्पिटल में देखा जब ये मुझे जबरन मुझे वहाँ भर्ती कराया और मेरे पति को अलग किया, मुझे अलग किया, और शाम के अंधेरे में इन्होंने मेरे बेटे की जो अंत्येष्टि की है मैं कभी नहीं भूल सकती। सरकार को मैं कभी नहीं भूल सकती, इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया। और पुलकित आर्य तो है ही दोषी, पर सरकार भी उतनी दोषी है, क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ वही किया। वो नहीं चाहते आशुतोष भाई को उन्होंने फर्जी मुकदमे में फंसाया है कि वो अंकिता की माँ के साथ खड़े न हो। वो नहीं चाहते कि अंकिता की माँ को न्याय मिले, हमारी बेटियों को न्याय मिले। और मैं समस्त जनता से
और युवाओं से और अपनी मातृशक्ति से यही प्रार्थना करती हूँ। अभी भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आइए और आप इस लड़ाई में हमारा साथ दें। कल तक आप फेसबुक और मोबाइल में आप भाई को लिखते थे कि भाई जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो अंकिता के साथ, अंकिता के माता पिता के साथ हो। मैं उनसे भी यही कहना चाहती हूँ कि मेरे माँ बहनों आप जहाँ भी हो आप आओ और अपने आशुतोष भाई को यहाँ से रिहा करो, क्योंकि मेरे भाई का इतना ही गुनाह है, उन्होंने एक गरीब परिवार का साथ दिया है। और कल जो मैंने उनकी दशा देखी, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे भाई को ऐसे पकड़ के इतने जोर जोर से धक्का मार मार के ले गए। मैं ये कहती रही कि मुझे मेरे भाई से एक बार बात करनी है, एक बार बात करनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, एक नहीं सुनी। तो ये अंकिता के परिजन थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार लगातार उनसे जो न्याय की जो वादे करती है उस पर अमल नहीं करती है। लगातार वो यहाँ पर आंदोलन पर हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए राजी नहीं है। और जिस तरह से पत्रकार आशुतोष नेगी जो शुरुआती समय से अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े थे, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया गया है, जिससे उन्हें जिला कारागार पौड़ी भेजा गया है, जिसके चलते उनका जो आंदोलन है वो कच्चा ना रहे। इसको लेकर उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया है कि वो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए उनका साथ दें। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल, उत्तराखंड तक।